नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया है उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 4 फरवरी 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। फाइल में मेरा तीनों बाई सेल लेवल रहता है, बाई लेवल सेल लेवल रहता है और इंडिकेटर्स रहता है और बहुत सारे पैरामीटर्स रहता है जो देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। इसका व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का यह पूरा फाइल मैंने आप लोग को मिल जाएगा। फिर अगर सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है। आप लोग को लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ये वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो कि मैंने रेगुलर देता हूँ वो भी मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप और स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा और स्टॉक मार्केट में आप लोग को ट्रेड करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये फाइल में क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ करना है, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस वो सब आप लोग देख लीजिएगा। यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को सब लिंक आप लोग को मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा वो, तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए बाई लेवल सेल लेवल मैंने तीनों लेवल देता हूँ और ये स्टॉक्स चुना हूँ। तो ये देखिए बाई लेवल एंड सेल लेवल, वन का बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ और टारगेट फाइव लेके टारगेट एट दाने तरफ, और सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ और टारगेट फाइव से लेके टारगेट एट दाने तरफ। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है, कौन सा लेवल पे ओपन मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल का स्टॉक्स है वो दिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस टारगेट इसी का हिसाब से रखना है। और इसमें बाई लेवल एंड सेल लेवल वन हो गया, बाई लेवल सेल लेवल टू भी कहता हूँ, यह है बाई लेवल सेल लेवल टू, यह है बाई लेवल सेल लेवल टू और इसके बाद आएगा बाई लेवल सेल लेवल थ्री। और ये है पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, इसका वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। और बोलिंगर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, और टीरॉल लेवल का अपर बैंड टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है। ये सब आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, इंडेक्स और फ्यूचर्स बहुत, वो आप लोग को स्टॉक मार्केट में उसका मूवमेंट आप लोग को मॉनिटर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग कोई भी देख सकता है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी देख सकता है, बाई लेवल सेल लेवल देख सकता है और वन टू थ्री कुछ भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन मार्केट में हम चुके हैं, कुछ अब अपडेट मिलेगा तो और भी अच्छा होगा। ये आप लोग मेरा सर्विस ले सकता है, आप लोग को लाइव मार्केट में भी अपडेट मिल जाएगा। और कमोडिटी का लिखता हूँ, कमोडिटी का आप लोग को दिखाता हूँ, बाई लेवल सेल लेवल वन टू और थ्री, ये भी आप लोग को बहुत ही कम पे आएगा क्योंकि इसका लेवल बहुत ही अच्छा कम करता है जो अगला दिन का लेवल देता हूँ। आप लोग खुद चेक कर सकता है, मेरा परफॉर्मेंस वाला भी देख सकता है, नहीं तो आप लोग आज जो दिखाता हूँ लाइव मार्केट में आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फीचर्स का लेवल दिखाऊंगा, फीचर्स का कुछ ऐसे ही दिखाऊंगा, ऐसे कुछ शॉर्टिंग नहीं किया, ऐसे कुछ बाइलेंस लेवल वन का ऑनली दिखा देता हूँ। इसके बाद मैंने 100 डे का स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, 100 डे अगर इसका स्ट्रैटेजी है कि जो आज का कैंडल को जो जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को 100 डे एवरेज काट किया है उसका हाई लो जब कल ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट दिख सकता है।
देखिए इधर अंबुजा सीमेंट ने काट किया है, आप आपको इधर चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। देखिए इनका कैंडल आज का ये जो 100 मूविंग एवरेज या आज का कैंडल इसका का इसको काट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं 100 सिंगल मूविंग एवरेज और इधर भी ऑन एस वन लगा। तो इधर देखिए इधर भी अभी एक इसको काट किया है, इसका एवरेज अब बुक करेगा और ये अच्छा मूवमेंट देता है। इसके बाद सेंचुरी टेक्स को दिखाता हूँ, इसको लेवल आएगा तो अच्छा खासा जरूर देगा, लेवल नहीं आ सकता कि हाई लो ऐसे हो कि हाई लो नहीं देख हुआ तो तब अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रुप करे तो अच्छा मूवमेंट दिखा ही देता है। कमेंट्स इंडिया, इसके बाद असर मोटो रिक्रूटर्स और HDFC को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा वाला स्टॉक चुन लेना तो मूवमेंट अच्छा मिलेगा। और सब कुछ नहीं दिखाता हूँ, आप लोग को जो मेरे को सभी शॉर्ट सब ग्रुप में है वो उसको पूरा फाइल मिल जाएगा। और रिसेंट अखबार रीनाकुलना स्ट्रेटेजी को दिखाऊँगा। देखिए इधर वन डे का सबसे ऐसी सी इंसान दबा रहा है, तो इधर देखिए आज का जो कैंडल वो अगला दिन का कैंडल का ऑन डे है, तो मतलब वन डे का इंसान दबा हो गया, तो इसका हाई जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और उसके बाद कुछ भी देख लेते हैं, और फार्मा को देख लेते हैं, ये वन डे का हिसाब से वन डे का हिसाब से है और इनर फोर भी है, मतलब इनर फोर जब होगा तो आप लोग वन डे का भी है, आप लोग अगला दिन का हाई ब्रेक हो करके एंट्री ले सकता है, या इनर फोर मतलब आज का कैंडल का हाई लो भी, तो इनर फोर इनर सेवन जब आएगा तो अगला दिन का मतलब करेंट डे कैंडल आज का कैंडल का हाई लो ब्रेक होने के बाद एंट्री ले सकता है। वन डे और टू डे का इंसेंट दबा जब होगा तो वन डे और टू डे का जो हाई लो है उसको आप लोग को लेवल ब्रेक करना होगा। यह भारत फोर्ज या इनर फोर ये बीटीसीआई ठीक है, ये दिखा दिया। उसके बाद कुछ और दूसरा कुछ दिखाता हूँ, मतलब दूसरा कुछ कैंडल फॉर्मेशन हायर हाई हाई लोस या लोअर हाई लोअर लोस दिखाता हूँ। एक में अदानी फोर पावर ये छोटा मोटा है ठीक है, इधर बैंक बड़ौदा ये भी छोटा है, बैंक ये भी छोटा है, इधर हायर हाई लोअर लो भारतीय एयरटेल में बना है, भारतीय एयरटेल देखिए लगातार तीन दिन से हायर हाई हाई लोस बना है, तो इसका जब और इसका हाई जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट देगा, लो भी तोड़ेगा तो उसका सिग्निफिकेंट रहेगा, रिवर्सल हो सकता है। और इसका देखिए इधर बेल इधर भेल भी थोड़ा सा छोटा स्टॉक्स होता है, और डीवी स्लैप हायर हाई हाई लोस है, बेल लोअर हाई लोअर लोस है, मैं ये दोनों दिखा देता हूँ। देखिए हार आई हार लॉस हुआ है, यही बात देख सकते हैं। और क्या देखा, गेंद गेंद लोअर हाई लोअर लॉस हुआ, देखिए लोअर हाई लोअर लॉस हुआ तो इसका जब हाई में वेट करेगा पट्टी में जब लो वेट करेगा ये और भी नीचे जाएगा। अच्छा और भी आपके मार्केट हैमर बना है, देखिए इन्वर्टेड हैमर बना है, ये पॉजिटिव हैमर बना है, जो लोग कैंडल भी नहीं बना समझते हैं। तो इधर देखिए और भी कुछ कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, इधर मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट है, ये आप लोग इधर से चेक कर सकते हैं, मास्टर को नोट कर सकते हैं, ये भी आप लोग को मास्टर मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट ये भी काम पे आता है। बुली सेम रैंकिंग कुछ बना हुआ है, देखते हैं एशियन फिल्म में